6 दिसंबर को लॉ एंड ऑर्डर के जो इंतजाम किए जाते हैं वो आज भी किए गए हैं हर जगह, कहीं से कोई शिकायत का मौका नहीं आया है, कहीं कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज़ पीसफुल और हम लोग सब कल की इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। 7 दिसंबर यानी कल पूरे स्टेट में इलेक्शन पोल डे है। हैदराबाद शहर में इसकी तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही है। हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी, पिछले 2 महीने से सभी एक्सरसाइज, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रीवियस केसेस, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड जिनके खिलाफ एनबीडब्ल्यूज हैं, सीजर ऑफ कैश, फ्लैग मार्च, पेटी केसेस, ये सब का सिलसिला चला और अभी तक लगभग 27 करोड़ रुपए की सीजर हुई है। इसके अलावा 2,50,00,000 रुपए के गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट का भी सीजर हुआ है। बहुत जगह गुटखा, गांजा, ये लोग, इसका भी सीजर हुआ है। जहां तक नॉन बेलेबल वारंट का सवाल है, सिटी में लगभग 2,500 एनबीडब्ल्यू का एग्जीक्यूशन हुआ है वारंट, और 4,000 से ज़्यादा राउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर और दूसरे जो क्रिमिनल हैं जिनके ऊपर शरारत करने का इल्ज़ाम रहता है, उनको बाइंडिंग ओवर भी किया गया है सिक्योरिटी सेक्शन के तहत। मुझे पूरा यकीन है कि कल पोलिंग के समय लार्ज नंबर में सभी पब्लिक लोग आएंगे और आप चैनलों के तरफ से एक गुजारिश है पब्लिक को, खास करके उन बच्चों को, जो नए बच्चे जो 18 साल से बड़े के एज में हैं, जिनको नया एपिक कार्ड इशू हुआ है पिछले 3 सालों में, वो लोग ज़रूर आकर वोट करें। आपके हाथ में आपके स्टेट का फ्यूचर है, उसको मजबूत बनाना, उसको डेवलप करना, ये आपके हाथ में है और ये आप उसी समय कर सकते हैं जब आकर आप अपनी खुशी से बिना किसी खौफ के आकर वोट दें। जहाँ तक कल का इंतजाम का सवाल है, तो हमारे सिटी में लगभग 24 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस, जिसमें CRPF, रैपिड एक्शन फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, महिला बटालियन, केरला से IR बटालियन, ये लोग सब लोग आए हैं। ये सब आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हैं, कहीं किसी को खौफ या डर की बात नहीं है। हम लोग सब आपके सिक्योरिटी में रहेंगे। पूरे सीनियर ऑफिसर्स हर जोन में कल घूमेंगे, हर जगह स्ट्राइकिंग पार्टी रहेगी, स्पेशल स्ट्राइकिंग पार्टी रहेगी और सबसे ज़रूरी बात कि लगभग 10,000 कैमरा केवल इलेक्शन के लिए लगाए गए हैं, जो कि हर चीज़ को रिकॉर्ड होगा। आप लोग को मालूम है शहर में इसके पहले ऑलरेडी 2,48,000 कैमरा है, तो जहां भी हर जगह जो भी चीज़ होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा और फौरन उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी अगर कुछ लोग शरारत करेंगे। आप लोगों से एक और गुजारिश है, पोलिंग स्टेशन के अंदर सेलफोन की इजाज़त नहीं है, तो अच्छा बेहतर होगा कि आप लोग सेलफोन अपने घर में छोड़ के आएँ या कम से कम बाहर जो 100 मीटर का जो रेडियस है उसके अंदर सेलफोन लेकर नहीं आएँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हैदराबाद के पूरे आवाम आकर हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है और कितने हाई परसेंटेज में आकर वोट दे रहे हैं। शुक्रिया।